बड़ी खबर, राजस्थान सरकार अब राशन की दुकानों पर चने की दाल की बिक्री शुरू करेगी। यह दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगी। इसके लिए सरकार ने एक SOP भी जारी कर दी है। इसके लिए सभी जिला रसद अधिकारियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं, उनके यहां बिक्री के लिए कितना चना दाल की आवश्यकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जारी SOP के तहत राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से मांगों के आधार पर चना दाल का आवंटन भारत सरकार करेगी। भारत सरकार के FCI गोदाम से चना का उठाव करवाकर उसकी दाल बनाकर राशन की दुकान विभागों की एजेंसियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। अब देखिए, आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अभी बाजार में दाल 70 से 80 रुपए तक बिक रही है और बड़ी बात यह है, दालों के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए सरकार अब चना दाल 1 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसकी कीमत 60 रुपए ही होगी। यानी कि सरकार चाहती है कि गरीब की थाली से दाल गायब न हो। और आपको बता दूं, बारिश के चलते आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले समय में दालों के भाव और बढ़ सकते हैं। 95 से लेकर 100 रुपए तक दाल जा सकती है। ऐसे में कीमतें कंट्रोल रहे, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दूं, जैसे कोई दाल थोक में खरीदना चाहता है तो उसे प्रति किलोग्राम 5 रुपए का फायदा होगा। मिनिमम 30 किलोग्राम का कट्टा या बैग खरीदने पर दाल 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाई जाएगी। दाल की बिक्री राशन की दुकानों के अलावा विभाग की ओर से जगह जगह खोले गए बिक्री काउंटर और मोबाइल यूनिट्स पर भी होगी। यानी कि सरकार राशन की दुकानों पर भी सस्ती दाल उपलब्ध करवाएगी और जगह जगह यूनिट बनाकर भी सस्ती दाल मुहैया करवाएगी, ताकि दाल के भाव बढ़े नहीं।